साथियों, ये है जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज। इसकी जितनी हम तारीफ़ करें उतना कम है। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024, उसी के लिए हमने जीएस वर्ल्ड की ये 12वीं टेस्ट सीरीज लाया है। ये 12वीं टेस्ट सीरीज साथियों हमारी सीसेट की है। ओवरऑल ये तो 12वीं टेस्ट सीरीज हुआ, लेकिन सीसेट की यह तीसरी टेस्ट सीरीज है। इसके पहले दो टेस्ट सीरीज हम लोग सीसेट की कर लिए हैं, और सीसेट में हम लोग केवल वो टॉपिक पढ़ते हैं जो सबसे बहुत बड़ा मुख्य टॉपिक होता है, जो हमको मेंस में पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन। आपको मालूम होगा ये टॉपिक, अगर आपको समझ में आ गया इसका कॉन्सेप्ट इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन का, 20 से 25 सवाल पूछे जाते हैं, और ये हल्का सा समझ में आ गया तो आप 5 मिनट में सारे सवालों को हल कर लेंगे। आपको मैथ रीजनिंग थोड़ा थोड़ा करके आप 33 आपको मालूम होता है, ये सीसेट में 33% पाना होता है आपको। अगर 33% आप नहीं, आपका स्कोर बन रहा है सीसेट यानी ये जो जीएस का सेकंड पेपर होता है, तो आप जो है मेंस में नहीं पहुंच पाएंगे। आपका जीएस वन कितना भी अच्छा रहे, आपको मालूम है जीएस वन से मेरिट तय होती है, तो जीएस वन आप कितना भी अच्छा करके आएँ, आपका अगर सीसेट यानी जीएस टू गड़बड़ा गया है, 33% नहीं पा रहे हैं, तो आपके गाड़ी का ब्रेक वहीं लग जाएगा, आप जो है मेंस में नहीं पहुँच पाएंगे। तो मेंस में पहुँचने का बहुत बड़ा ये एक माध्यम होता है मेरे भाई, ये सीसेट। तो सीसेट में अच्छे से तैयारी करने के लिए हमको कम्युनिकेशन और स्किल वाला टॉपिक हमें बहुत मजबूती से आना चाहिए। ये 20 से 25 क्वेश्चन आता है। इसके बाद हम लोग कुछ रीजनिंग, कुछ मैथ, कुछ हिंदी, कुछ इंग्लिश करके हम लोग 33% आराम से पा सकते हैं, बहुत कम मेहनत में। लेकिन साथियों, जो सबसे अच्छी बात है, हम लोग कम समय में जब ये सीसेट को तैयार कर ले रहे हैं, तो जो हम लोगों का समय बचेगा, सब समय अपना झोंक दीजिए जीएस में, क्योंकि जीएस से ही हमारी मेरिट तय होती है, क्योंकि इसी में बच्चे ज़्यादा छटते हैं। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 31 से ही स्टार्ट है, स्किल और कम्युनिकेशन वाले टॉपिक, यहीं से स्किल और कम्युनिकेशन के प्रश्न स्टार्ट हैं। इसके पहले अदर टॉपिक के हिंदी इंग्लिश वगैरह के थे, तो हम लोग केवल इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन का पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या है इसमें। निम्नलिखित में से किसे प्रभावी संचार में बाधा माना जाता है? प्रभावी संचार यानी दो लोगों में सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, तो उसमें बाधा किसको माना जाएगा? सक्रिय श्रवण, सक्रिय श्रवण तो बाधा नहीं मेरे भाई, ये तो और अच्छी बात है, अच्छे से सुनना ये तो बाधा नहीं है। शोर मेरे भाई, अगर दो लोग अपना आदान प्रदान बातचीत कर रहे हैं, अगर वहाँ शोर हो रहा है, तो यानी वहाँ प्रभावी संचार में बाधा माना जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यही गलत है। फीडबैक भी ज़रूरी होता है, एक बात किया, दूसरे से कोई सूचना प्रदान किया, दूसरा उसको अगर सूचना नहीं प्रदान करेगा तो पता ही नहीं चलेगा हमने अच्छा बोला खराब बोला, अस्पष्टता भी होनी चाहिए, क्लियरेंस तो ये सब होना चाहिए। यही जो शोर होता है यही बाधा माना जाता है प्रभावी संचार में। आगे बढ़ जाएं हम लोग, बहुत बढ़िया टॉपिक। 32 में देखें क्या कह रहा है दूसरा, यानी कम्युनिकेशन का दूसरा प्रश्न। विचारों को संप्रेषणीय रूप से परिवर्तित करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? अपना हम विचार हैं साथियों, हम लोग अपने विचार को किसी के पास पहुंचाना चाहते हैं, तो विचारों को संप्रेषणीय रूप में परिवर्तित करने के लिए प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो एनकोडिंग। एनकोडिंग मतलब क्या होता है साथियों, हम लोग जिसको कुछ भेजना चाहें वही उसको समझ पाए, वही पढ़ पाए, बाकी कुछ नहीं, कोई और न पढ़ पाए, इसी को एनकोडिंग कहा जाता है। चलें हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, 33 में क्या कह रहा है 33 वाला प्रश्न। देखें 33 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संचार का उदाहरण है? तो अशाब्दिक यानी वर्डलेस यानी बिना शब्दों का संचार का उदाहरण क्या होता है? आप ईमेल किसी को भेजेंगे उसमें भी शब्द की ज़रूरत पड़ेंगे, फ़ोन कॉल से बात करेंगे तो उसमें भी शब्द की ज़रूरत पड़ेंगे ही, शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज इसमें आपको शब्द की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी यही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि शाब्दिक बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है इशारा, जैसे आप किसी को इशारा में कुछ बता रहे हैं, संकेत में कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ आपको शब्द की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसे ही बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आगे बढ़े हम लोग, बहुत बढ़िया साथियों। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा रहा हो, हमारी मेहनत का आपको अगर ज़रा सा भी एहसास हो रहा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करके
चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारा सपोर्ट ज़रूर करें और करवाएं, क्योंकि साथियों आपका सपोर्ट मिलता है तो बहुत बड़ी ऊर्जा मिलती है, हमें हमारा मनोबल बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है, काम करने का जुनून बढ़ता है। नहीं तो साथियों ऐसे निराशा आ जाती है, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से आपका कुछ जाएगा नहीं, लेकिन उसके बदले हमें बहुत कुछ मिल जाता है। आगे हम लोग बढ़ें तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि संचार में प्रयुक्त चैनल निम्नलिखित को प्रभावित कर सकता है, जो चारों में दिया है, ये संचार में जो चैनल प्रयुक्त होते हैं वो किसे प्रभावित कर सकता है। तो अस्पष्टता को प्रभावित कर सकता है, क्लियरेंस को, संदेश को तो प्रभावित नहीं करेगा, न तो प्रेषक को भेजने वाले को, न तो रिसीवर प्राप्त करने वाले को, ये जो क्लियरेंस होता है जो कम्युनिकेशन का, उसे प्रभावित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर हो जाएगा 34 का। आगे बढ़े हम लोग, देखते हैं 35 में क्या कह रहा है। बहुत बढ़िया प्रश्न, कई जगह ये प्रश्न पूछा गया है। कह रहा है संचार प्रक्रिया में फीडबैक है, तो संचार प्रक्रिया में साथियों हम लोग किसी से बात कर रहे हैं, तो दो लोग हम और आप बात कर रहे हैं, तो ये संचार हो रहा है, सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, तो फीडबैक क्या होता है, अनावश्यक होता है कि वैकल्पिक होता है, आवश्यक या दुर्लभ। तो आपको बता दें भाई, संचार प्रक्रिया में फीडबैक बहुत ही ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है। हमने आपको बहुत सारी बातें बताई, आपने उसका हमें फीडबैक नहीं दिया, उसका जो है रिएक्शन नहीं दिया, तो हमें पता कैसे लगे हमने सही बोला गलत बोला, कि आपके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है, तो आवश्यक हो गया ऑप्शन नंबर सी। चले हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 36 वाले में क्या कह रहा है। इसमें संचार प्रक्रिया में संदेश बनाने और भेजने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो आप लोग को पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाओगे। उदाहरण जैसे आपके यहाँ अगर शादी होता है, मान लीजिए आप ही की शादी है, ऐसे कार्ड बनता है, तो कार्ड में यहाँ ऐसे एक लड़का की शादी है, लड़का का, फिर यहाँ लड़की वेड्स लड़की का नाम होता है, यहाँ प्रेषक लिखा होता है। प्रेषक मतलब जो घर का मुखिया होता है, उसी के नीचे प्रेषक मतलब भेजने वाला, तो प्रेषक के नीचे आपके घर के मुखिया का नाम होता है यहाँ पर, तो उसी का नाम लिखा जाता है प्रेषक में, जो घर का मुखिया हो, जिसे गांव के लोग जानते हों, फ्रंट पेज पे वही होता है। तो प्रेषक होता है यानी संदेश बनाने और भेजने वाले को, यानी जो जिससे ये कार्ड जिसके यहाँ जाए तो पता देखकर पता लगे कि हाँ ये किसके यहाँ से आया है, यही प्रेषक को देखता है। तो प्रेषक मतलब क्या होता है, संदेश बनाने और भेजने वाले व्यक्ति को ये प्रेषक कहा जाता है। आगे बढ़े हम लोग, देखें इसमें क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय श्रवण का सबसे अच्छा वर्णन करता है। सक्रिय श्रवण का सब मतलब ये साथियों होता है, सक्रिय का मतलब एक्टिव और श्रवण का मतलब सुनना, लिस्टन। तो ये सक्रिय श्रवण का सबसे अच्छा वर्णन क्या करता है, मतलब अच्छे से सुनना, इसका सबसे अच्छा वर्णन क्या है। तो बिना जवाब दिए सुनना, यानी किसी को आप बात सुन रहे हैं उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, तो वो भी अच्छा श्रवण नहीं माना जाता है, ये भी गलत है। वक्ता को बीच में रोकना, कोई आपके सामने अच्छा भाषण दे रहा है, बोल रहा है, तो आप बीच में उसे रोक टोक रहे हैं, वो भी अच्छा श्रवण नहीं है। अच्छा, तो और ये सी वाला क्या करे, पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना, समझना और प्रतिक्रिया देना। यस मेरे भाई, यही सही है। सक्रिय श्रवण का यही मतलब होता है कि उसकी बातों को आप एकाग्रता से सुन रहे हैं और उसकी बातों को समझ भी रहे हैं और अंत में उसको प्रतिक्रिया यानी फीडबैक भी दे रहे हैं, ये होता है। यही ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर होगा। आगे बढ़े हम लोग 38 में, देखें इसमें क्या है। संचार में फीडबैक लूप निश्चित करता है। तभी मैंने ये प्रश्न आया था फीडबैक वाला, बताया था आपसे। तो संचार में फीडबैक लूप सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है, कि संदेश स्पष्ट और समझने योग्य है, ऑप्शन नंबर सी। मेरे भाई, हमने आपको बहुत सारी सूचनाएं दे दी, मैं सेंडर हो गया और आप रिसीवर हो गए, मैंने आपको बहुत सारी सूचनाएं भेज दी, आप उसका हमें फीडबैक नहीं दिए, रिएक्शन नहीं दिए, तो हमें कैसा समझ में आएगा कि ये अच्छा है ख़राब है, या मतलब मैंने उसको क्या प्रभाव पड़ा, उसको कैसा लगा। तो ये सब चीज़ों समझने के लिए फीडबैक कहा जाता है। तो
मतलब अगर किसी का फीडबैक मिलता है तो इससे यह क्लियर हो जाता है कि हाँ व्यक्ति को बात समझ में आई, हमारी बात उसको समझ में आई या हमने समझाने में सफलता प्राप्त कर ली है, तो एक तरह का ये होता है। आगे चले हम लोग देखें 39 में किस प्रकार का संचार प्रतीकों या संकेतों, बहुत बढ़िया प्रश्न, किस प्रकार का संचार प्रतीकों या संकेतों के प्रयोग द्वारा चिन्हित होता है। तो मेरे भाई ऐसा मतलब आप लोग देखते होंगे रोड पर चलते होंगे, कहीं हॉस्पिटल आने वाला होता है तो ऐसे हॉस्पिटल का जो है निशान रोड पर बना होता है बैनर में, कहीं स्कूल आने वाला होता है तो बच्चे बैग ले जाते हुए ऐसा पोस्टर आपको दिखाई देता होगा, वहाँ पर खंभे गाड़े होते हैं, या फिर कहीं पर चौराहा होता है तो वहाँ पर भी ऐसे पोस्टर लगे होते हैं, वहाँ पर एक पोल पे लगा बना होता है, तो एक तरह से संकेत होते हैं। तो प्रतीक और संकेत का जो द्वारा चीज़ों को प्रयुक्त किया जाता है, ऐसे संचार जो प्रतीक या संकेतों के द्वारा चिन्हित किए जाते हैं उन्हें दृश्य संचार यानी देख कर हम लोग समझ जाते हैं, यानी प्रतीक और संकेत को देख कर हम लोग समझ जाते हैं वो कहना क्या चाह रहा है, वो हमें बताना क्या चाह रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी डी हो गया दृश्य संचार। दृश्य संचार क्या है कि प्रतीकों और संकेतों का प्रयोग करके सूचनाएं प्रदान करवाना, तो यही होता है, बहुत बढ़िया। आगे चले हम लोग 40 में देखें इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अधोमुखी संचार, कैसा संचार, अधोमुखी संचार का उदाहरण है। अधोमुखी संचार का साथियों मतलब होता है, यहाँ इंग्लिश आप देखेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा डाउनवर्ड, एक चीज़ यहाँ देख रहे हैं ना डाउनवर्ड, अधोमुखी का मतलब होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो अधोमुखी संचार का मतलब ये होता है कि ऊपर से नीचे, यानी ऊपर का कोई व्यक्ति सूचनाएँ दे रहा है वो नीचे तक पहुँच रहा है, इसे अधोमुखी कहा जाता है। तो यहाँ इसका मतलब ये है ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब किसी कंपनी में ऊपर वाला जो है अपने नीचे वाले को निर्देश देगा, तो एक कर्मचारी प्रबंधक को फीडबैक दे रहा है तो नहीं ये गलत हो जाएगा क्योंकि अधोमुखी है, तो इसका मतलब ऊपर से नीचे आएगा, एक प्रबंधक एक कर्मचारी को निर्देश दे रहा है, यस ऑप्शन नंबर यही सही होगा। कर्मचारी आपस में काम पर चर्चा करे गलत, सहकर्मियों के बीच ईमेल आदान प्रदान ये भी गलत, तो अधोमुखी यहाँ देख लिए तो इसका मतलब आप यही लगा दिए ऊपर से नीचे। आगे बढ़ा जाए 41 में देखें 41 में क्या कह रहा है कि अंतःवैयक्तिक, बहुत ध्यान से पढ़िएगा इसे, यही आपको आता हुआ क्वेश्चन आपका खा जाएगा, गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अंतःवैयक्तिक लिखा है इंग्लिश आपका, इसका अगर आप देखेंगे तो आपको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है यहाँ पर, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है साथियों। अब इंग्लिश हिंदी में आप इसका देखें तो अंतःवैयक्तिक संचार, अगर आपको अंतर्वैयक्तिक संचार लिखा होता, अंतर्वैयक्तिक उसका आप लोग देखते होंगे, तो अंतर्वैयक्तिक संचार का मतलब जब दो लोगों में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है तो उसे अंतर्वैयक्तिक कहा जाता है, ये अंतःवैयक्तिक संचार है, इसका मतलब एक ही व्यक्ति खुद से बात कर रहा है, खुद से सवाल पूछ रहा है, खुद से जवाब ढूंढ रहा है, तो खुद से जब कोई व्यक्ति बात करता है तो उसे जो है अंतःवैयक्तिक संचार कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, यही अंतःवैयक्तिक रहा होता तब ऊपर वाला हो जाता, तो अंतर्वैयक्तिक। तो आप लोग समझ गए अंतःवैयक्तिक संचार में शामिल क्या होता है, एक व्यक्ति के भीतर का संचार यानी खुद से वो बात कर रहा है। आगे बढ़े हम लोग 42 में किसी संगठन में प्रभावी संचार, कोई संगठन है कोई पार्टी है उसमें प्रभावी संचार निम्नलिखित परिणाम प्राप्त, ये परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पार्टी है मोदी जी की पार्टी है, मान लीजिए बीजेपी या कांग्रेस है, तो वहाँ का जब क्या होता है प्रभावी संचार होता है, यानी सभी के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान ठीक से होता है, उसके कार्यकर्ताओं का सूचना, जैसे ये होता है पार्टी का मुखिया है, इसके कार्यकर्ताओं का इसके पास सूचना आए, ये कुछ कह रहे हैं कार्यकर्ताओं पर जाए, जनता के बीच आए, यानी तमाम संगठन के बीच जो है ये प्रभावी संचार बना रहेगा सूचनाओं का, हर एक व्यक्ति के पास सूचनाएं साफ सुथरे से पहुंची रहेंगी, तो इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम ये होगा कि जो है ये बेहतर टीम सहयोग, यानी वो टीम जो है वो बेहतर तरीके से काम करेगी और अंत में जो है उसका फल अच्छा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा, प्रभावी संचार का परिणाम क्या हो सकते हैं, बेहतर टीम सहयोग।
तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है इसमें। इसमें एक शब्द दिया है ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन का मतलब होता है साथियों, अगर आप ये इंग्लिश वर्ड है इसका आप लोग मतलब ढूंढेंगे तो इसका मतलब लिखेगा अंगूर का बेल। तो यहाँ अंगूर का बेल वाला ये शब्द ग्रेप वाइन है, ये कम्युनिकेशन में भी प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए प्रयोग किया जाता है जहाँ सूचनाएँ जो है अनौपचारिक संचार होता है, अनौपचारिक संचार जहाँ होता है, इंग्लिश में इसे कहते हैं 43वें में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क जहाँ होता है वहाँ पर ग्रेप वाइन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है ये वाला। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ग्रेप वाइन का प्रयोग किसका वर्णन करता है, अनौपचारिक संचार नेटवर्क का। ऑप्शन नंबर बी उत्तर होगा। 44 में देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण, श्रवण का प्रकार पूछ रहा है लिस्टन का। श्रवण कौन सा प्रकार, कौन सा श्रवण एक प्रकार नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण का एक प्रकार नहीं है। यहाँ चार नाम दिए गए हैं श्रवण का, यानी सुनने का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर दिया है मेरे भाई विवेकपूर्ण श्रवण, ये भी सुनने की एक प्रकार है। व्यापक श्रवण यानी उसको व्यापक तरीके से सुनना, ये भी सुनने की एक प्रकार है। आप व्यापक तरीके से नहीं सुनेंगे तो आपको समझ में कैसे आएगा। सराहनापूर्ण श्रवण, आप इस तरीके से सुन रहे हैं तो मतलब बगल वाले जो सुना रहा है उसको सराहना भी मिल रही है, तो भी सुनने का एक बहुत अच्छा प्रकार होता है। विनाशकारी श्रवण, विनाशकारी श्रवण में आप ऐसा कुछ इस तरीके से सुन रहे हैं, विनाशकारी श्रवण नाम से ही लग रहा है, विनाशकारी श्रवण श्रवण का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यही श्रवण का प्रकार नहीं है, बाकी सब श्रवण के प्रकार हैं। आगे बढ़े हम लोग 45 में देखते हैं क्या है। 45 में साथियों कह रहा है संचार के शैनन वीवर मॉडल, एक संचार का एक मॉडल है शैनन वीवर मॉडल में शोर को किस प्रकार दर्शाया गया है। तो आप लोग इसे, ये आपको थोड़ा सा घबराने के लिए दे दिया है, आप लोग इसको नहीं पढ़े होंगे शैनन वीवर मॉडल क्या होता है संचार में। तो आप लोग इतना केवल जानिए शोर को किस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो शोर का मतलब क्या होता है, जैसे हम आप बात कर रहे हैं बगल में कोई जो है बड़का सा डीजे लाकर बजा रहा है, तो इसका मतलब वो हुआ वो हम लोगों के बीच में हस्तक्षेप कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, हम लोग बात नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ वो हम लोगों के बीच बाधा पहुँचा रहा है। तो हस्तक्षेप, ऑप्शन नंबर सी शोर क्या हो जाता है, हस्तक्षेप हो जाता है। आगे बढ़े हम लोग 46 में, संचार में सहानुभूति महत्वपूर्ण है क्योंकि, सहानुभूति मतलब यहाँ इंग्लिश इसका आप वर्ड ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा इम्पैथी या कहीं कहीं सिंपैथी भी मिलेगा। तो सिंपैथी इज इम्पॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन बिकॉज, क्योंकि क्यों महत्वपूर्ण है संचार में सहानुभूति क्यों महत्वपूर्ण होता है। तो सहानुभूति साथियों जिसे होता है ना कि हम दो लोगों की बातचीत हो रहा है तो उसमें जो सहानुभूति रखा जाता है, सहानुभूति इसलिए रखा जाता है कि बेहतर कनेक्शन होता है, जैसे टीचर और गुरु में एक दूसरे का अगर जो है सहानुभूति अगर हो जाते हैं, सिंपैथी अगर जुड़ जाती है तो वो बेहतर कनेक्शन उत्पन्न हो जाता है। कोई लड़का लड़की में अगर सहानुभूति अगर हो जाती है तो वहाँ भी माता पिता ये कहीं भी यूज कर सकते हैं सहानुभूति का। तो सहानुभूति का मतलब ये हुआ बेहतर कनेक्शन की सुविधा देता है, बेहतर तरीके से लोग आपस में जुड़ते हैं। 47 देखते हैं, देखें इसमें क्या दिया है, प्रभावी संचार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो प्रभावी संचार यानी अच्छे तरीके से संचार करना, बातों को पहुंचाना, इसमें से कौन सा सत्य है। तो यह हमेशा जटिल शब्दावली का प्रयोग करता है मेरे भाई, नहीं, आपको अपनी बात को अच्छे ढंग से पहुंचाना है तो जटिल शब्दों का प्रयोग करोगे, कठिन शब्दों का प्रयोग करोगे तो वो मतलब पहुंचेगा। मोदी जी अपनी बात को अगर पहुंचाना चाहें जनता के बीच, कठिन कठिन शब्द लाएं और सामने अनपढ़ जनता बैठी है, मजदूर बैठे हैं बेचारे गांव से आए हैं, उनको क्या समझ में आएगा। तो ये तो गलत हो गया, प्रभावी संचार का में जटिल शब्द नहीं दिया जाता, यह केवल अशाब्दिक संकेतों पर निर्भर करता है मेरे भाई। मोदी जी भाषण दें या राहुल गांधी जी भाषण दें, वो केवल इशारा करें यानी अशाब्दिक यानी शब्दों का इस्तेमाल न करें, आए मंच पर से सुखो इशारा करके चले आएँ तो जनता कुछ समझ पाएगी। प्रभावी संचार ये भी नहीं है, गलत बात है। इनमें दोनों पक्षों को सक्रिय भागीदारी आवश्यक है, तो यही बात सत्य है। 47 का हो जाएगा हमारा
उत्तर नंबर सी हो जाएगा। इनमें दोनों पक्षों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है, यानी मोदी जी कुछ बोल रहे हैं, जनता उतना ज़्यादा उनको प्रतिक्रिया दे रही है, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं उनको जनता उतना ही ताली बजा रही है, फीडबैक दे रही है। तो दोनों पक्षों में क्या संचारी प्रभावी संचार में दोनों पक्षों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक होती है। ये हो गया, चले हम लोग अगला प्रश्न पे। 48 में क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय श्रवण का प्रमुख घटक है। सक्रिय श्रवण मतलब अच्छे से सुनना, तो अच्छे से सुनने के लिए कौन सा इन चारों में से उसका एक घटक है उसी को हमें बताना है। तो मेरे भाई जब अशाब्दिक संकेतों को अनदेखा करना, तो मेरे भाई जैसे कुछ मोदी जी बोल रहे हैं, बोलने के साथ साथ वो कुछ इशारा भी करते हैं, तो आप लोग इशारा को या जो उनका संकेत होता है, इशारा होता है, तो उसे अगर अनदेखा कर देंगे तो बातों आपको ठीक से नहीं समझ में आएगी, तो ये भी गलत है। सक्रिय श्रवण का ये घटक नहीं हो सकता। जब दूसरा व्यक्ति बात कर रहा हो तो अपना जवाब तैयार रखना, तो दूसरा व्यक्ति जब बात कर रहा हो तो अपना जवाब तैयार रखना 48 का, तो ये भी नहीं है साथियों। ऐसा क्या है, दूसरा व्यक्ति जब बात कर रहा हो तो अपना आप जवाब तैयार करने में रहेंगे तो उसकी बातों को सुनेंगे कैसे, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है। सी वाला क्या, प्रतिक्रिया प्रदान करना। यस मेरे भाई, कोई अगर बात बोल रहा है उसको आप प्रतिक्रिया दे रहे हो, फीडबैक दे रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अच्छे से उसकी बातों को सुना है। कोई व्यक्ति जब अच्छे से सुनता है तभी प्रतिक्रिया देता है। हम आपको गाली दे दें, मतलब उदाहरण के एग्जांपल बता रहे हैं, हम आपकी तारीफ़ करें खूब, हम आपकी खूब तारीफ़ कर दिए और जो है क्या होता है कि आप सुने नहीं, तो उसको हमारे बारे में आप सोच नहीं पाओगे। हम आपको जैसे मतलब खूब तारीफ बढ़िया बढ़िया किए या कोई गलत शब्द बोले, अच्छा बोले, आप जब सुने ही नहीं तो उसकी प्रतिक्रिया का दोगे। जब प्रतिक्रिया हमें आप दे दिए तो इसका मतलब आपने हमारी बातों को अच्छे से सुना है। तो यही होता है प्रतिक्रिया प्रदान करना, सक्रिय श्रवण का प्रमुख घटक प्रतिक्रिया यानी फीडबैक प्रदान करना। आगे बढ़े हम लोग, संचार 49 में देखते हैं। संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग है, तो डिकोडिंग क्या होता है मेरे भाई, डिकोडिंग का मतलब होता है जैसे हम लोग कोई सूचना भेज रहे हैं, मैं हो गया सेंडर, और जिसके पास भेजा वो हो गया रिसीवर। तो मैं अपनी सूचनाओं को भेजा तो इस तरीके से भेजा, उसको एनकोडिंग करके, कि एनकोडिंग का मतलब होता है इस तरीके से भेज रहा हूँ कि जिसके पास भेज रहा हूँ वही समझ पाए। जब ये सूचना इसके पास पहुँचेगा तो वो उसका डिकोड करेगा। जैसे मैं इसको बता दूँ, मैं पानी को इसको पहले बता दिया हूँ, मैं पानी को हवा बोल रहा हूँ, तो इससे फ़ोन पर कहूँ कि यार हवा भेज दो हमारे यहाँ, तो ये तो समझ जाएगा, डिकोड करेगा, हाँ हवा का मतलब ये पानी है, तो ये जो है पानी भेज देगा। लेकिन और सबको नहीं पता चलेगा कि ये क्या बोले हैं। तो उसी तरह से डिकोडिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पर संदेश भेजने का कार्य ये तो नहीं होगा, संदेश की व्याख्या करने का कार्य। यस, ऑप्शन नंबर बी, डिकोडिंग का मतलब ये संदेश के व्याख्या करना। हम इसको बोले हवा, हवा भेज दो, इस व्यक्ति ने हमारे शब्द को डिकोड किया, हाँ हवा का मतलब हम लोगों के बीच पानी है, तो हमें पानी भेज दिया, इसका मतलब वो डिकोड किया, ऑप्शन नंबर बी। 50 में देखते हैं, तो 50 में क्या कह रहा है मेरे भाई, संचार में शब्द जाल का प्रयोग क्या प्रभाव होता है। तो आप शब्द जाल यानी शब्दों का बहुत बड़े जाल फैला दोगे अपने संचार में, अपने बातचीत में, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यह संदेश को सरल बनाता है, कैसे सरल बनाएगा, मोदी जी आए एक ही छोटी सी बात करना हो, बड़े बड़े शब्दों को बड़े बड़े संजाल में उसमें भाषण दें तो क्या समझ में आएगा, नहीं आएगा, गलत है ये। यह संदेश सभी के लिए अधिक सुलभ बनाता है, कैसे सुलभ बनाएगा, जब शब्द का जाल बिछा दोगे, जंजाल उसका, कैसे समझ में आएगा, ये भी गलत है। इससे भ्रम और गलत फहमी पैदा हो सकती है, तो इससे भ्रम और गलत फहमी पैदा हो सकते, यस ऑप्शन नंबर सी यही उत्तर होगा, 50वें का हमारा यही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी, इससे भ्रम और गलतफहमी पैदा हो सकती है, क्योंकि जब शब्दों का संजाल बैठा दोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, तो वही बात है। तो साथियों यहाँ हमने 50 क्वेश्चन था इसमें, मतलब 31 से लेकर 50 क्वेश्चन तक इसमें था हमारा, जो इंटरपर्सनल स्किल
और कम्युनिकेशन से संबंधित था। तो इस टेस्ट सीरीज में हमने जो भी इससे रिलेटेड प्रश्न था इसको देख लिया। अगली टेस्ट सीरीज में जो भी फिर इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन से सवाल बनेंगे फिर मैं लेकर आऊँगा, और जब तक वो नहीं आएगा तब तक हमारा ये जीएस का चलता रहेगा। तो साथियों अगली बार अगला क्लास हमारा जीएस का होगा, तो आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक करके जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।